नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस, मैं हूं स्वाति रायना। अगर आप दिसंबर के दूसरे हफ्ते के बाद दिल्ली घूमने आने वाले हैं या फिर दिल्ली से बाहर किसी डेस्टिनेशन जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके प्रोग्राम में मौसम खलल डाल सकता है, क्योंकि कोहरा आपके प्रोग्राम को बिगाड़ सकता है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली की सैर के लिए डेली टूरिज्म की वेबसाइट पर सबसे बढ़िया समय अक्टूबर से मार्च तक बताया गया है, लेकिन इस बार दिसंबर जनवरी में उत्तर भारत का प्रोग्राम खटाई में पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले हफ्तों में दिल्ली भयानक कोहरे की गिरफ्त में होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्थिति को और खराब करेगा। मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक 26 दिसंबर से 10 जनवरी 2017 के बीच दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत पर घने कोहरे की मार पड़ेगी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी को देखते हुए रेलवे ने 17 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच 64 ट्रेनों को रद्द करने और 56 ट्रेनों के फेरे घटाने का फैसला किया है। 17 दिसंबर से रेलवे 64 ट्रेनों के 2771 फेरों को रद्द करने जा रही है। रद्द की जाने वाली ट्रेनों में ज्यादातर नॉर्थ जोन, नॉर्थ सेंट्रल जोन, नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल जोन की ट्रेनें हैं। हालांकि रद्द की जाने वाली ट्रेनों में राजधानी या शताब्दी ट्रेन शामिल नहीं है। रेलवे 10 जनवरी को समीक्षा कर ट्रेनों के दोबारा चालू करने या फिर फेरों की संख्या को बढ़ाने का फैसला करेगी। पिछले साल घने कोहरे के चलते रेलवे ने 6000 से ज्यादा रेलवे के फेरों को रद्द किया था। सिर्फ रेलवे ही नहीं, कोहरे की मार हवाई सेवाओं पर भी पड़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक घने कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह और शाम को विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर रह जाएगी। ऐसे में फ्लाइट्स की उड़ान और लैंडिंग पर असर पड़ना तय है। हालांकि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड या डायल ने कोहरे से निपटने के लिए इंतजाम की बात कही है। डायल का कहना है कि IGI के एयरपोर्ट पर 3 रनवे CAT-3B सर्टिफाइड हैं, जिसका मतलब है उन CAT-3 विमानों के लिए 50 मीटर विजिबिलिटी पर लैंडिंग और 125 मीटर विजिबिलिटी पर टेक ऑफ संभव होगा। दिल्ली एयरपोर्ट के दावों के बावजूद हर साल कोहरे के दौरान एयर ट्रैफिक की हालत खराब होती रही है। इसके अलावा रेल और रोड ट्रैफिक पर भी कोहरे की मार देखने को मिली है। ऐसे में क्रिसमस और नया साल मनाने वालों का दिल्ली से बाहर जाने या दिल्ली आने का कार्यक्रम चौपट हो सकता है। समीर दीक्षित, जी मीडिया, दिल्ली। तो हो सकता है कि आपने प्रोग्राम बनाया हो लेकिन कोहरे की मार उस पर जरूर पड़ने वाली है। इस वक्त हमारे साथ महेश पलावत जी, चीफ मीटरोलॉजिस्ट हैं स्काईमेट, सुभाष गोयल जी, चेयरमैन STIC ट्रेवल्स, RK जेनामणि जी, मेट दिल्ली एयरपोर्ट मेंबर हमारे साथ हैं। सबसे पहले महेश जी, क्योंकि मौसम को लेकर हर कोई बहुत परेशान रहता है, कोहरा इनफैक्ट नवंबर एंड और दिसंबर के स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है, अब लोगों को परेशानी है कि उनका न्यू ईयर ना खराब हो जाए, तो प्लीज़ बताइए कि आखिरकार टूवर्ड्स एंड, अभी से लेकर न्यू ईयर एंड तक क्या रहने वाला है मौसम का हाल? देखिए, जैसे अभी आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी घना कोहरा था और आज जो कोहरे की लेयर थोड़ी सी थिन हुई थी और जल्दी कोहरा छटा था, और UP वगैरह में भी जो धीरे धीरे कोहरा थोड़ा सा कम हुआ है, तो अगले 2 दिनों में इंटेंसिटी उम्मीद है कि थोड़ी सी कम होगी, लेकिन 12-13 के आसपास, क्योंकि अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी J&K और हिमाचल में आ गया है, तो उसके कारण उसके जैसे ही वो निकलेगा तो 2 दिनों तक फिर से घना कोहरा हो सकता है 12 और 13 को, तो उसके बाद में 13 तारीख के बाद उम्मीद है कि कुछ दिनों के लिए कोहरा कम हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलेंगी और टेम्परेचर काफ़ी गिरने की उम्मीद है, क्योंकि बर्फीली हवाएं आएंगी, तो आप कह सकते हैं कि अगले 3-4 दिनों तक कोहरा अच्छा बना रहेगा। जी जी जी, मई जी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ मेट फॉग दिल्ली एयरपोर्ट मेंबर RK जेनामणि जी भी हैं। यहाँ पर जेनामणि जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में कोहरे का कितना असर होगा, ये तो पलावत जी भी हमें बता चुके हैं, लेकिन इसका जो इफेक्ट है खासतौर पर जो फ्लाइट्स है, ट्रेन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? देखिए, लखनऊ और बनारस एंड और ये दिल्ली भी फॉग का जो पहले जो था, जो इंटेंसिटी जो बोलते हैं जीरो विजिबिलिटी, वो 2 दिन हो गया नहीं है, वो थोड़ा क्लाउड जैसे कुछ हाइट में अभी है, फॉग का जो चादर है, बट वो इतना घना नहीं है कि फ्लाइट या ट्रेन का यूपी में बनारस से लखनऊ तक कम हो गया, दिल्ली में भी कम हो गया, तो बाकी जो पंजाब हरियाणा में थोड़ा ज़्यादा है, मतलब अमृतसर जैसे जीरो विजिबिलिटी था, चंडीगढ़ ये वगैरह ज़्यादा है, तो ज़्यादा पंजाब हरियाणा में है, UP में थोड़ा कम हुआ है, बिहार में भी थोड़ा कम हुआ है।
तो यही है, फॉग का कम हो रहा है, दिन आगे आगे दो तीन दिन में और कम हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित भी है। समीर, कोहरे की मार, इनफैक्ट अगर हम न्यू ईयर की बात करें तब तो है ही, लेकिन अभी से इतनी सारी ट्रेन्स और फ्लाइट्स लेट हैं कि लोगों के इम्पोर्टेंट काम तो अभी से डिले हो रहे हैं। जानना चाहेंगे फिलहाल आज के टाइम में क्या स्थिति है। जी बिल्कुल, दो बातें यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखिए, वेदर डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि उत्तरी भारत में इस बार कोहरे का प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आएगा और ख़ासकर 25 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी 2017 तक डेंस फॉग यानी कि घना कोहरा रहेगा, जिसके चलते जाहिर बात है कि रेल यातायात पर और हवाई यातायात पर उसका गहरा असर देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये वही समय है जब आप वैकेशंस प्लान करते हैं, जब आप नया साल या फिर क्रिसमस मनाने के लिए बाहर जाने के लिए अपने छुट्टी को प्लान करते हैं, तो ये ज़रूर है कि वेदर डिपार्टमेंट की इस जो प्रेडिक्शन है, जो फोरकास्ट है, उसको देखते हुए आप अपने वैकेशंस को उस तरीके से एक बार दोबारा रिवाइज करके प्लान कर सकते हैं। लेकिन साथ ही ये है कि जो ट्रेंड देखा गया है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद में एयरलाइन की टिकटिंग में उतना उछाल नज़र नहीं आ रहा है, और ख़ासकर जो फेस्टिव पीरियड है उसमें भी क्योंकि टिकटिंग ज़्यादा नहीं हो रही है, इसलिए जो प्राइजिंग है एयरलाइंस की वो काफ़ी मॉडरेट हैं, बीच बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही हैं। तो एयरलाइंस कोशिश ये कर रही हैं कि ज़्यादा कीमतों में उछाल ना करें ताकि लोग हवाई सफ़र को अपना ज़रिया बनाएं, और रेलवे भी कोशिश कर रही है कि वो बेहतर सुविधाओं के जरिए मुसाफिरों को अपनी ओर खींच सके। तो ये दो बातें हैं जिसमें मौसम की मार भी दिख रही है, लेकिन दोनों ओर से यानी कि रेलवे और हवाई एयरलाइंस की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि वो मुसाफिरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें अलग अलग पैकेजेस के जरिए। जी 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 समीर, फिलहाल वहाँ पर हकीकत क्या आपने बताया ज़रूर, लेकिन इस बार दिसंबर जनवरी में पूरा उत्तर भारत कोहरे की गिरफ्त में रहेगा। लेकिन आपके पास कुछ और डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर आप नए साल की छुट्टियाँ मना सकते हैं, तो आइए आपको बताते हैं क्या आपके पास विकल्प हैं। दिसंबर और जनवरी में सर्दियों की छुट्टी में अमूमन लोग उत्तर भारत की सैर का कार्यक्रम बनाते हैं, तो उत्तर भारत वाले दूसरे राज्यों में जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन इस बार मौसम विभाग ने दिसंबर में दिल्ली सहित उत्तर भारत में घने कोहरे को लेकर आगाह किया है। ऐसे में अगर आपने दिल्ली, आगरा, राजस्थान के शहर जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर हिमाचल और उत्तराखंड के हिल स्टेशंस मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल का कार्यक्रम बनाया है तो आपको मायूस होना पड़ सकता है। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए आपके पास और भी कई डेस्टिनेशंस हैं। अगर आपको समुंदर पसंद है तो मुंबई, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, उड़ीसा के कोणार्क, पुरी बीच पर आप छुट्टियां मना सकते हैं। इसके अलावा बेंगलुरु, मैसूर जा सकते हैं। अगर आप पहाड़ों पर छुट्टी मनाने का मूड बना चुके हैं तो साउथ में ऊटी अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। आपको बता दें कि डीमोनेटाइजेशन के बाद गोवा में इस साल 20-25% पैकेज सस्ते हो गए हैं। विदेशी और घरेलू टूरिस्ट की कम बुकिंग से पैकेजेस के रेट में कमी आई है। केरल के पैकेजेस के रेट में भी औसतन इस साल 20% की कमी है। उड़ीसा में रेट आमतौर पर कम रहते हैं, इस साल और भी किफायती हैं। उड़ीसा के पैकेज रेट में भी इस साल 25-30% की कमी आई है। तमिलनाडु में महाबलीपुरम, ऊटी, कन्याकुमारी के पैकेजेस के विकल्प हैं। गुजरात में कच्छ, भुज, सोमनाथ के लिए भी इस साल किफायती पैकेज हैं। तो तैयारी कर लीजिए, आपको इस साल क्रिसमस की छुट्टियों में कहां जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, मर्करी ट्रैवल्स के एग्जीक्यूटिव वीपी अश्विनी कक्कड़ जी इस वक्त हमारे साथ है। अश्विनी जी, आपसे जानना चाहेंगे अब, क्योंकि कोहरे की मार है, इनफैक्ट एक और फैक्टर इसमें इस बार डीमोनेटाइजेशन का भी जुड़ गया, आपसे ये अब समझना चाहेंगे कि अब आने वाले टाइम में कैसे लोग अपना जो न्यू ईयर का प्लान्स है वो कर रहे हैं, बना रहे हैं, और आपको लगता है कुछ थोड़ा डिक्रीज हुआ है इस बार के ट्रैवल प्लान्स में? देखिए, पहली बात तो यह कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से ऑलरेडी जो फॉरेनर्स हिंदुस्तान में आना चाहते थे उन्होंने कुछ अपने प्रोग्राम डिले कर दिए हैं और कईयों ने तो कैंसिल भी कर दिए हैं। सिमिलरली जो हमारे लोग इधर उधर जाना चाहते थे उनके पास भी कैश की कमी होने के कारण डोमेस्टिक ट्रैवल में कुछ कमी महसूस की जा रही है, और इसकी वजह से जो प्राइसेस हैं, या एयरलाइन प्राइसेस हों, होटल प्राइसेस हों, उनमें 20-25% की कमी नज़र आ रही थी। अब देखने की बात यह है कि उसके ऊपर ये कोहरे का नया सिलसिला शुरू हो गया है,
तो कोहरे की वजह से अब ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ इंडिया के जितने प्रोग्राम है वो तो शायद कुछ कम हो जाएंगे, क्योंकि दो टाइप के ट्रैवलर होते हैं, एक तो जो नॉर्मल हॉलिडे मेकर जो स्नोफॉल वगैरह देखना चाहते हैं, जैसे शिमला चले गए स्नोफॉल देखने के लिए, तो वो लोग भी कम हो जाएंगे, और दूसरी ओर जो रिलीजियस टूरिज्म होता है, वैष्णो देवी जाते हैं लोग या हरमंदिर साहब जाते हैं अमृतसर वगैरह में, तो वो लोग भी थोड़ा इस बार सोच रहे हैं कि अगर इतना कोहरा रहेगा, जाने की मतलब सुविधा नहीं रहेगी, तो हम उससे क्या करेंगे। तो इसलिए लोग जो है जो कम दाम के इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं उनकी ओर भी वो आकर्षित हो रहे हैं, जैसे दुबई शॉपिंग फेस्टिवल मेरे ख्याल से 27 या 28 दिसंबर को शुरू हो रहा है, वहां जाने की लोग सोच रहे हैं, बैंकॉक थाईलैंड वगैरह में बहुत कम दामों में आज की तारीख में रूम मिल रहे हैं, उनको भी लोग कंसिडर कर रहे हैं अपने प्लान के लिए, मगर ज्यादातर लोग इस बार साउथ की सोच रहे हैं कि केरला हो, गोवा हो, मुंबई हो या ऊटी वगैरह ऐसे डेस्टिनेशंस हो, क्योंकि इस साल कश्मीर में तो अभी भी थोड़ी सी मतलब टेंशन महसूस की जा सकती है, और बाकी जो एरियाज हैं वहां पे अगर इतना ज्यादा फॉग रहेगा तो ऑब्वियसली लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। जी अश्विनी जी, वाकई इस बार कई फैक्टर्स रहे हैं फॉग के अलावा भी, तो अगर आपने अब तक अपना प्लान नहीं बनाया है न्यू ईयर का, तो आप बाकी डेस्टिनेशंस के बारे में भी सोच सकते हैं।